हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे मात्राएं, है ना। देखिए, पढ़िए और समझिए। शेर, मोर, खिलौना, घड़ी। बच्चों, इन चित्रों के नाम में व्यंजन हैं। व्यंजनों को तो आप पहचानते ही हैं। इन व्यंजनों के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे शेर शब्द में श के साथ ए का चिन्ह लगा है। इसी तरह सभी चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हैं उनमें कोई ना कोई चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखते बल्कि उसकी मात्रा लगाते हैं। अगर मात्रा की जगह स्वर लगाकर लिखते तो ये शब्द इस प्रकार लिखे जाते। बच्चों, जो हमने अभी शब्द पढ़े हैं, जो चित्र देखे हैं, उनमें चिन्ह लगे हुए हैं, है ना। व्यंजनों के साथ चिन्ह लगाए जाते हैं। अगर हम इन चिन्हों को न लगाकर इनके अगर हम शब्द लिखें तो ये इस प्रकार हम पढ़ेंगे। श ए र म ओ र ख इ ल ओ न आ घ ड ई, है ना। अगर हम चिन्ह नहीं लगाए और जो स्वर के जो शब्द हैं, स्वर के जो अक्षर है, अगर हम उनको लिखेंगे तो इस प्रकार ये लिखे जाएंगे। पर स्वर के अक्षर नहीं लिखे जाते, उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को पढ़कर आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, शेर तो कुछ समझ में आ रहा है, मोर, घड़ई, ये कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं क्या? नहीं। पर जब व्यंजन के साथ चिन्हों को हम लगाते हैं तो इनका रूप ही बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ये बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं क्या पढ़ेंगे अब हम? स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर, मात्रा जोड़ना, स्वर के साथ व्यंजन शब्द, ठीक है। अ मात्रा नहीं होती, क धन अ, कोई शब्द नहीं जोड़, कोई मात्रा नहीं जोड़ना है। क कलश, कल, कलश, कल। आ, आ की मात्रा, क धन आ, क में आ की ऐसा चिन्ह जुड़ेगा तो क्या बनेगा? का, काला, काल। ई, ई की मात्रा, क में ई की मात्रा, क धन ई, है ना, व्यंजन और स्वर। क धन ई, की, कीला, किसान। ई, बड़ी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, है ना, चिन्ह लगाएंगे तो की, उस शब्द बनेंगे कील, कीमत। उ मात्रा, चिन्ह इस प्रकार होगा इसका, क धन उ, कु, कु, कुल, कुली। उ की मात्रा, क धन उ, कम में उ की मात्रा, कु, कु, कूल, कूलर। रु, रु की मात्रा, क धन रु, कम में रु की मात्रा, क्रु, कृपा, कृपालु। ए, ए की मात्रा, क धन ए, कमे ए की मात्रा, के, कमे की मात्रा, के ला, के त ली। आई, आई की मात्रा, क धन आई, क, कमे आई की मात्रा, कई,
कैसा कैलाश। ओ, ओ की मात्रा, क धन ओ, क में ओ की मात्रा को, क में ओ की मात्रा को, ट कोयल। औ, क में क धन औ, क में औ की मात्रा कौ, कौवा कौरव। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। विशेष, र के साथ उ और उ की मात्रा उसके ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं लगती, बल्कि र के साथ इस प्रकार लगती है। र धन उ रु रुई, र धन उ रूप, रु की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है। इस प्रकार क धन रु रुक्रु रूपा, अस्वर की मात्रा नहीं होती, अस्वर की मात्रा नहीं होती। बच्चों आपको ये वाला मात्रा वाला पाठ पढ़ना है और इसे समझना है। हम अगली कक्षा में इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।